स्वागत है दोस्तों इस हमारे नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है एंटरटेनमेंट विकिपीडिया। यहाँ हम बात करते हैं हॉलीवुड, बॉलीवुड और टीवी सीरीज़ के बारे में, जहाँ मैं आपको कुछ अपडेट्स देता हूँ इससे रिलेटेड। चलिए बात करते हैं इस वीक के अपडेट्स के बारे में। सबसे पहला अपडेट है एवेंजर 4 से रिलेटेड। एवेंजर 4 की कुछ सेट फोटो लीक हुई है जिसमें हमें कैप्टन अमेरिका का कॉस्ट्यूम नज़र आ रहा है। काफ़ी सिमिलर है इसके पहले आए हुए कंसेप्ट आर्ट से। दूसरा अपडेट है फैंटास्टिक बीस्ट द क्राइम ऑफ ग्रिंडलवॉल्ड। इसका फाइनल ट्रेलर रिलीज हुआ है जो कि बहुत अच्छा है। इस फिल्म में हमें जॉनी डेप बतौर विलन नज़र आएंगे। तीसरा अपडेट है एक्समैन डार्क फिनिक्स के तरफ से। इसकी रिलीज डेट कन्फर्म हुई है जो कि 14 फरवरी 2019 है और इसका ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है। मुझे तो ये ट्रेलर ठीक लगा, पर आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए। चौथा अपडेट है एवेंजर 4 से रिलेटेड। इस फिल्म के ट्रेलर को लेके कुछ अपडेट्स आए हैं। इस फिल्म का ट्रेलर हमें नवंबर के एंड तक देखने मिल सकता है। पांचवा अपडेट है रोबोट 2.0 का। इसका फुल ट्रेलर हमें दिवाली के दिन देखने मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि इस फिल्म में वीएफएक्स कैसा रहता है। छठा अपडेट है बाजार फिल्म का। इसका ट्रेलर भी सामने आ चुका है। इस फिल्म में हमें सैफ अली खान नज़र आएंगे। सातवां अपडेट है इस साल की मच अवेटेड फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान का। इसका भी ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है जो कि हमें पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की याद दिलाता है। उनके लुक्स और म्यूज़िक भी कुछ एक जैसा ही लगता है। अच्छी बात यह है कि बॉलीवुड अभी वीएफएक्स में पैसा लगा रहा है, पर शायद डायरेक्टर ये भूल गए हैं कि हम 2018 में हैं, ना कि 2000 साल में। मैं इसको किसी मूवी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहता, पर इसके पहले आई हुई बाहुबली, बाहुबली 2, जिसका वीएफएक्स काफ़ी अच्छा था, उस क्वालिटी को तो बॉलीवुड अब तक अचीव नहीं कर पाया है। ये तो फैक्ट मानना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसा रहता है ये मूवी, कुछ इम्प्रूवमेंट्स देखने मिलते हैं या नहीं। आठवां अपडेट है क्रीड 2 मूवी से। इसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। इसमें मिशेल बी जॉर्डन और सिल्वेस्टर स्टैलोन जैसे बड़े एक्टर्स दिखाई देंगे और यह मूवी 19 अक्टूबर को रिलीज होगी। नाइन्थ अपडेट है मार्वल सुपर हीरो सीरीज से। डेयरडेविल सीजन 3 टीजर ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसकी रिलीज डेट है 19 अक्टूबर। इसके पहले दो सीजन भी काफ़ी अच्छे थे। आखिरी अपडेट है URI द सर्जिकल स्ट्राइक। ये फिल्म इंडिया ने किए हुए सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर बेस्ड है। इसके डायरेक्टर है आदित्य धर। इसमें हमें विकी कौशल, परेश रावल, यामिनी गौतम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। यह फिल्म हमें 11 जनवरी 2019 को देखने मिलेगी। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अलविदा।